हेलो, आई एम विकट खान. मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी. आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया. एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी. प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 ग्राम्स की मेरी बेबी थी, 27 वीक्स की. तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर. उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम. सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार. मुमरा रेती बंदर एक नंबर पर रेलवे पटरी पर ट्रेन एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर मौत हो गई है. हादसा रात 12 बजे के बाद में हुआ है. हालांकि हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया है. शव जो है ये काफ़ी छत विछत हो चुका था और रात के अंधेरे में मृतक व्यक्ति के दोनों हाथ जो है वो रेलवे पुलिस को नहीं मिला. मगर सुबह के वक्त रेती बंदर परिसर में लोग अचंभित रह गए जब मृतक का हाथ कुत्ता लेकर घूम रहा था. ऐसे में स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक हाथ एक रूम के छपरे पर पड़ा हुआ था और दूसरा हाथ रेलवे पटरी के पास एक झोपड़पट्टी के सामने पड़ा हुआ मिला है. लोगों ने रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी और जिसके बाद मौके पर पहुँची रेलवे पुलिस ने दोनों हाथ को बरामद कर लिया है. हालाँकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस व्यक्ति का क्या नाम था और क्या पटरी पार करते हुए या फिर ट्रेन से गिरकर इस व्यक्ति की मौत हुई है. हालांकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसको लेकर स्थानीय समाज सेवक नीलेश पाटिल ने क्या कुछ बताया है आपको सुना. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश पाटिल है, मैं यहाँ का मुमरा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ. सुबह में यहाँ पर कुछ मामला हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे? सुबह में मुझे अपने मेरे एरिया से मुझे हमारे लड़के लोगों ने मुझे सुबह में कॉल किए कि यहाँ पे किसी घर के ऊपर एक हाथ कटा हुआ करके आया हुआ है. तो इसकी जानकारी हमने लेने के लिए गए, तभी मालूम गिरा कि वहाँ पे एक घर के ऊपर एक हाथ कटा हुआ मिला वहाँ पे. और जैसे हमें जब जानकारी मिली, मैंने पुमरा प्रोडक्शन में इसके बारे में बात की और उनको इतना की कि ऐसा ऐसा यहाँ पर वार्ता देनी करके. और जब पुलिस वाले भी आए यहाँ पे, मामला जब मालूम गिरा तो दो हाथ था, एक और एक घर के पास में. हाँ, और एक हाथ है घर के पास. लेकिन बताया जा रहा हादसा रेलवे के पास हुआ था, तो ये हाथ इधर कैसे पहुँचा? कैसे किस रात में, जब लड़के लोग से मुझे मालूम गिरा कि रात में यहाँ पे गाड़ी रुके हुए थे, रात में हादसा हुआ था, वो गाड़ी लेके बॉडी लेके चले गए थे, लेकिन उनके बाकी के दो पार्ट उनके मिले नहीं थे, हाथ नहीं मिला था. इसके लिए सुबह में जो कुत्ते आते हैं, नई औरत यहाँ पे देखा कि कुत्ता एक अपने बॉडी का हाथ लेके यहाँ पे भाग रहा था घर से. फिर कैसे क्या हुआ? तो उसकी जानकारी मिलने के बाद में हमने जाके वहाँ पे देखा था, अभी इसके बारे में पुलिस ने बात की और पुलिस ने इसकी जानकारी दे दी कि ऐसी ऐसी वारदात यहाँ पे हुई है करके. तो पुलिस आई थी? हाँ जी, आई ना वहाँ पे, वो भी आए. उसके बाद में जानकारी ली, उन्होंने देखा वहाँ पे कि बाद में मालूम किया कि रेलवे से हुआ है करके. रेलवे वाले से कॉन्टेक्ट किया कि रेलवे वाले आके यहाँ पे जो हाथ कटा हुआ हाथ यहाँ पे गिरा हुआ था वो लेकर मिलेगी दोनों के.